नमस्कार मित्रों, जीवन जड़ी बूटी चैनल में आपका फिर से एक बार मनपूर्वक स्वागत। मित्रों, ये जो आप सामने सफ़ेद सफ़ेद फूल हरे हरे पत्ते जो वनस्पति देख रहे हैं, इस वनस्पति को, इस पौधे को हमारे तरफ आल या आली के पौधे के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पर इस पौधे को इंडियन नोनी के नाम से जानते हैं। इसे ऐसे सफ़ेद फूल होते हैं और हरे पत्ते होते हैं। इसकी छाल बहुत कटु होती है। मित्रों, यह पौधा मोटापा कम करने के लिए, बढ़ा हुआ वजन कम करने के लिए, मधुमेह, शुगर पर, वात विकारों पर, बुखार पर अत्यंत उपयोगी और रामबाण की तरह काम करता है। मित्रों, यदि आपको बुखार होगा तो बुखार के लिए आपको सिर्फ इस आल के पौधे का छाल निकालना है और इस छाल का चूर्ण आपको सुबह शाम एक एक चम्मच की मात्रा में लेना है। केवल 3 दिन के उपयोग में हड्डी ज्वर, मलेरिया का ज्वर, टाइफाइड का ज्वर पूरी तरह दूर हो जाएगा तथा ज्वर आपको पुनः नहीं आएगा। बार बार आने वाले ज्वर की, मलेरिया की, ये बहुत रामबाण दवा है। मित्रों, यदि आपको मोटापा है, आपका पेट ऊपर आया होगा, आपका वजन ओवरवेट के कारण आप तकलीफ में होंगे, आपके घुटनों में दर्द होगा, आपको अर्थराइटिस की शिकायत होंगी, संधिवात, मानपाट, कमर में दर्द, घुटनों के दर्द के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। मित्रों, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस आल के पौधे की छाल निकालना है, इसे कूट पीस कर इसका कपड़छन चूर्ण बनाना है और इस चूर्ण को आपको सुबह शाम एक एक चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ लेना है। बस केवल एक माह तक आप कीजिए, आपका मोटापा दूर हो जाएगा, आपका बढ़ेवा वजन ओवरवेट दूर हो जाएगा तथा आपके घुटनों का दर्द, आपका अर्थराइटिस, आपका संधिवात, आपके मान पेट कमर का दर्द पूरी तरह से जल मूल से नष्ट हो जाएगा। ये मित्रों मेरा अनुभूत योग है जो आज मैं आपको बता दिया। मित्रों, इसके लिए आपको पत्ते भी, मतलब परहेज भी रखना पड़ेगा। तो मधुमेह में, शुगर में, शुगर यदि आपकी 350 तक बड़ी होंगी तो इसके लिए आपको सिर्फ इस आल के पौधे की छाल निकालना है और इसका एक चम्मच चूर्ण शाम को एक गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह में मसल कर इसे पी जाना है। बस केवल आप सुबह में एक दिन एक ही बार इसका उपयोग कीजिए और एक माह तक निरंतर इसका उपयोग कीजिए। मित्रों, एक माह में आपकी यदि 300-350 डायबिटीज़ यदि ऊपर चढ़ी होंगी तो आपकी बढ़ी हुई डायबिटीज़ ये नियंत्रित होंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। मित्रों, ये इंसुलिन का काम करता है और इसके लिए आपको परहेज रखना ज़रूरी है। यदि आपको मधुमेह है, आपको मोटापा है, आपको वात के शिकार हुए होंगे, आपको अर्थराइटिस, संधिवात हो गया होगा तो उसके लिए आपको मीठा खाना छोड़ देना चाहिए। तली हुई चीज़ें, मसाले की चीज़ें और पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ों से आपको परहेज रखना है। एक माह तक ये उपाय मेरा कीजिए। मित्रों, मैं गारंटी से दावे के साथ कहता हूँ, मैंने जो भी बीमारियाँ बताई है आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी और कुछ ही दिनों के उपायों से आप इन सब बीमारियों से मुक्ति पाओगे। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।